क्लाइमेट चेंज की वजह से एंटार्क्टिका की बर्फ बड़ी तेजी से पिघल रही है। कई रिसर्चर्स ये चेतावनी दे चुके हैं कि इस सदी के अंत तक समुद्र का वाटर लेवल 4 मीटर से भी ज्यादा बढ़ जाएगा और उसमें दुनिया के कई शहर डूब जाएंगे। लेकिन एक ताजा रिसर्च में यह दावा किया गया है कि इससे समुद्र के वाटर लेवल में महज 6 इंच का ही इजाफा होगा, जिससे डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है। नेचर जर्नल में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के मुताबिक रिसर्चर डॉक्टर टैमसन एडवर्ड ने कहा है कि एंटार्क्टिका की बर्फ पिघलने की रफ्तार काफी तेज है, लेकिन इसके बावजूद इस सदी के अंत तक इससे 6 से 7 इंच जल स्तर बढ़ेगा, जो पहले के अनुमान से करीब 7 गुना कम है। पहले के रिसर्चर्स ने इसके 44 इंच बढ़ने की आशंका जाहिर की थी। साथ ही उनका कहना है कि इसके बावजूद हमें क्लाइमेट चेंज को नजरअंदाज करना नहीं चाहिए, वरना इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वहीं रिसर्चर्स कहते हैं कि संयुक्त रूप से देखें तो इसमें बाढ़, तूफान और बर्फीली आंधी जैसी समस्याओं का खतरनाक रूप देखने को मिलेगा, जो समुद्र का वाटर लेवल बढ़ने से ज्यादा भयावह हो सकता है। कीप वॉचिंग पर्यावरण पोस्ट।